गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो? सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फटिग रिएक्शन. ओके, फटिग रिएक्शंस बहुत ही नॉर्मल सा रिएक्शन से बच्चे, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल से है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. राइट, ओके. हमने वुड रिएक्शन पढ़ लिया, फटिग रिएक्शन एंड देन वुड फटिग रिएक्शन. ओके, सो सिंपली देखो फटिग रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे मैंने वुड रिएक्शन में क्या लिया था, एल्काइल हेलाइड. राइट, तो आप यहां पे क्या ले लोगे, व्हेन एराइल हेलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल. ओके, Na मेटल के साथ अगर ट्रीट करते हो, ठीक है ना, तो ये फॉर्मेशन क्या कर देगा, टू फॉर्म, है ना, मींस कपलिंग रिएक्शंस हो जाएगा और यहां पे डाइफिनाइल का फॉर्मेशन कर देगा. क्या बात समझ रहे हो? बहुत ही सिंपल है यार, ठीक है. अब देखो इसकी अगर मैं नीट की बात करूं या जेई मेन की, तो डायरेक्ट ही रिएक्शन आता है, नेम रिएक्शन है. तो बस थोड़ा सा रिएजेंट यहां पर याद रखना कि एराइल हेलाइड क्या होता है, दिस इज द एराइल हेलाइड. ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स होता है, दो मोल्स होता है, यहां पे क्या डालोगे, 2Na और किसके प्रेजेंस में, ड्राई इथर के प्रेजेंस में. राइट, तो यहां पे कपलिंग हो जाता है, दो फिनाइल ग्रुप क्या होता है बच्चे, अटैच हो जाता है इस तरीके से. इसी को आप बोलोगे क्या, दिस इज बाइफिनाइल और क्या बोलोगे, डाइफिनाइल बोलोगे. ओके, है ना. तो अगर सीबीएसई बोर्ड में आता है बच्चे, तो क्या करोगे, ये स्टेटमेंट डाल करके इसको आप दिखा दोगे, पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा. ठीक है ना, अगर वन मार्क्स आ रहा है तो सिर्फ इक्वेशंस भी दिखा सकते हो, बट साथ में अगर ये लाइन अगर डाल देते हो, व्हेन एराइल हेलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल टू फॉर्म डाइफिनाइल, तो वहां पे मार्क्स कटने की चांसेस नहीं है. बात समझ में आ रही ना? तो ये बन गया क्या, डाइफिनाइल रिएक्शन. जैसे मान लो कभी कभी कन्वर्जन भी पूछ देता है, ठीक है ना, बोर्ड की मैं बात करूं, बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, तो कभी कभी क्या पूछता है ना कि बेंजीन इनटू है ना डाइफिनाइल कन्वर्ट करना है, मींस बेंजीन से क्या बनाना, आपको डाइफिनाइल बनाना है. तो सबसे पहले जैसे डाइफिनाइल बना रहा है ना, तो दिमाग में आना चाहिए क्या, फटिग रिएक्शन आना चाहिए. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बेंजीन है ना, तो बेंजीन का क्या करोगे बताओ, क्लोरीनेशन मींस हैलोजनेशन करवाओगे, ठीक है, AlCl3 या FeCl3 के प्रेजेंस में. यहां पे ये क्या बन जाएगा बताओ, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा. और इसका क्या करवा दोगे, फिटिक रिएक्शन करवा दोगे, मींस टू मोल्स आएगा, तो यहां पे लिख दोगे क्या, फिटिक रिएक्शन. ठीक है, इस तरीके से क्या करोगे बेटा, फिटिक रिएक्शंस लिख दोगे, ठीक है ना. तो जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन हो जाता है, डाइफिनाइल. ओके, दिस इज डाइफिनाइल. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो अच्छे से आप इसको कर लेना. राइट, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. ओके भाई, ओके विनोद, समझ में आ रहा है भाई, विनोद बोलो, विनोद जी समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट हम लोग देखो विनोद करेंगे किसके साथ है, वुड्स फटिग रिएक्शन के साथ में, वुड्स फटिग रिएक्शन. ठीक है बच्चे, देखो एक हमने क्या पढ़ा था, फटिग रिएक्शन पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, वुड्स रिएक्शन पढ़ा. अब दोनों ने आपस में विनोद कर लिया, तो क्या बन गया, ये देखो वुड्स फटिग रिएक्शंस बन गया. अब जरा याद करो, वुड्स में मैंने क्या लिया था, एल्काइल हैलाइड लिया, फटिग रिएक्शन में क्या लिया हुआ, एराइल हैलाइड लिया है. तो वुड्स फटिग आपस में क्या कपलिंग करेगा ना, आपस में विनोद करेगा, तो वुड्स है तो एक क्या लोगे, एल्काइल हैलाइड, और दूसरा क्या हो जाएगा, एराइल हैलाइड. समझ में आ रही ना? यस. तो यहां पे अगर वुड्स फटिग रिएक्शन दिखाओगे, तो यहां पे एक मॉलिक्यूल्स बच्चे क्या लोगे, एराइल हैलाइड लोगे, क्या लोगे, एराइल हैलाइड लाइक दिस. दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या ले लोगे, एल्काइल हैलाइड लोगे, है ना. ये कहां से आ रहा है, वुड से. ये कहां से आ रहा है, फटिग से. किसके प्रेजेंस में, सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चे, ड्राई इथर. क्या बात समझ में आ रही है ना? तो ये एल्काइल हैलाइड, सॉरी एराइल हैलाइड, और ये एल्काइल हैलाइड आपस में विनोद करेगा. तो यहां से ClCl सारे निकल करके ये विनोद करने के तत्पश्चात क्या फॉर्मेशन होगा बच्चे, ये बन जाएगा, मींस बेंजीन के साथ क्या लग जाएगा, CH3, मींस क्या बना लोगे बच्चे, टॉलीन बना लोगे. क्या मेरी बात समझ में आ रही, बोलो समझ में आ रही क्या? जैसे मान लो बच्चे मैंने यू ले लिया, देखो यहां पे ऐसा ले लिया, Br ले लिया, है ना. अब यहां पे क्या ले लो, C2H5Cl ले लिया,
या Br ले लिया, ठीक है। अब यहां पे मान लो कि यहां पे ऐसे डाल लो ना, बीच में दो Na डाल लो, 2Na प्लस यहां पे डाल लिया क्या Br, और हमने ले लिया ये C2H5 किसके प्रेजेंस में जी, ड्राई थर। तो यहां से देखो ये 2NaBr यहां से क्या हो जा रहा है बाहर, है ना, आपस में विनोद करेगा, ये Na और Br आपस में विनोद करेगा, ये और ये आपस में विनोद करेगा, तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ, समथिंग क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन बन जाएगा, C2H5 बन जाएगा, दैट इज द इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया बच्चे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर जैसे मान लो कि हमने ये ऐसा रिएक्शन ले लिया, बेंजीन है ये आई, ठीक है, और ये विनोद किसके साथ मैं करवा दूं, इसका विनोद किसके साथ करवा दूं, Br के साथ, यहां पे क्या ले ले, 2Na ले ले, और ये क्या हो गया ड्राई इथर, तो यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इथाइल ग्रुप निकाल के किसके साथ चिपका दो, बेंजीन के साथ, मीन्स बेंजीन और इथाइल ग्रुप है आपस में क्या करेंगे, विनोद करेंगे, बात समझ में आ रही है। और एक यहां पे क्या बनेगा बताओ, NaI बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, NaBr बन जाएगा बच्चे, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया सबको, यहां तक तो सबको समझ में आ गया बच्चे, बोलो यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया क्या, सबको समझ में आ गया, बोलो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। तो फिटिक रिएक्शन समझ में आ गया, वुड्स फिटिक रिएक्शन आ गया समझ में, बात समझ में आ गई ना। जैसे मान लो कि अगर मैं यहां पे ये लिख दिया कि क्लोरोबेंजीन को, क्लोरोबेंजीन को बच्चे अगर कन्वर्ट करना हो किसमें, टॉलीन में, है ना, टॉलीन में कैसे बनाओगे, कन्वर्जन है, तो यहां पे सिंपली भाई देखो, यहां पे एराइल हैलाइड मींस क्लोरोबेंजीन ले लिया, यहां पे क्या डाल दो बताओ, CH3Cl मींस वुड्स-फिटिक रिएक्शन करवा दो बच्चे ड्राइथर के साथ में, यहां से Cl ये निकल जाएगा, और इस CH3 को क्या करोगे, बेंजीन के साथ चिपका दो, क्या मुश्किल है बोलो, कोई मुश्किल नहीं है ना, ये बन जाएगा क्या CH3 टॉलीन बन जाएगा। तो रिएक्शन इज वेरी सिंपल, जो भी अल्काइल ग्रुप होगा उसको बेंजीन के साथ क्या कर दो, विनोद करवा दो, बस काम हो गया, अटैच करवा दो, काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन से बच्चे, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल, है ना, कार्बोनाइल कंपाउंड का, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तो एल्काइल हैलाइड, ठीक है, अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, RMgX, ठीक है, और इसको बच्चे बोलते हैं क्या, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं, क्या बोलोगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, और इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, क्या बोलोगे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलोगे, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, RMgX ग्रिगनार्ड रिएजेंट हो गया, दिस इज अल्काइल हैलाइड, सो ऑलवेज रिमेंबर कि व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम मेटल, ओके, किसके प्रेजेंस में बच्चे, ड्राइथर के प्रेजेंस में, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है, बट हमेशा यहां पर जो ड्राइथर है ना, एनहाइड्रस कंडीशन होना चाहिए, कैसा कंडीशन होना चाहिए, एनहाइड्रस कंडीशन होना चाहिए, अगर एनहाइड्रस कंडीशन अगर नहीं होता है तो मान लो कि यहाँ पे RMgX हमने लिया, ठीक है, और अगर वहां पे इवन मॉइस्चर प्रेजेंट है, अगर वॉटर का थोड़ा सा भी अमाउंट प्रेजेंट होगा, इवन मॉइस्चर भी प्रेजेंट होगी, तो ये जो RMgX है ना, ये क्या करेगा, देखो H2O होता है ना, H2O, तो H2O कैसा होता है, RH+ और OH- आयन होता है क्या, बोलो जरा ये बात बता सकते हो, H+ और OH- आयन होता है। अब यहां पे जरा देखो मैग्नीशियम क्या होता है बच्चे, मैग्नीशियम कैसा होता है, मेटल है ना, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो R के ऊपर कैसा, अल्काइल ग्रुप पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो ये जो नेगेटिव है वो किसको खींच लेगा बताओ, H पॉजिटिव को खींच लेगा, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RH, देखो अल्केन का फॉर्मेशन हो गया, अल्केन बन गया, प्लस क्या बनेगा, MgOH, और यहां पे ये X लग गया, ठीक है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जो प्रिपरेशन होता है बच्चे, वो हमेशा एनहाइड्रस कंडीशंस में होता है, एनहाइड्रस का मतलब क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ वाटर, क्योंकि अगर वहां पे थोड़ा सा भी वाटर आ गया, थोड़ा सा भी मॉइस्चर आ गया, तो वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहां से देखो बच्चे, बोर्ड में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही फेमस है, तो वो यहाँ पे क्या होता है, देखो मैं वो क्वेश्चन से लिख देता हूं यहाँ पे, कि क्वेश्चन क्या होता है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट शुड बी, NCERT का क्वेश्चन है, शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन,
एनहाइड्रस कंडीशन, ओके वाई, बात समझ में आ रहा है ना? तो सिंपल सा आंसर लिखोगे मेरे बच्चे कि बिकॉज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद वॉटर, इट रिएक्ट्स विद वॉटर टू फॉर्म अल्केन। वो क्या करेगा, अल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। और ज्यादा अगर खुश हो तो ये लिख करके दिखा देना RMGX, यहां पे क्या डाल देना, वॉटर डाल देना, और यहां किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये RH है ना प्लस MgOHX में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका 2 मार्क्स बन जाएगा। बात समझ में आ रही ना? सो वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस, बात समझ में आ रही ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको लेना है इसको, ओके। ये बात समझ में आ रही होगा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहां के लिए, बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग एनहाइड्रस कंडीशन मतलब कि एब्सेंस ऑफ वाटर में बनाते, क्यों, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए मॉइस्चर भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चे। अब देखो हमने ले लिया CH3, MgBr ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो हमने ये अल्काइल हैलाइड लिया और यहां पे हमने डाल दिया कि Mg और यहां पे डाल दिया ड्राई इथर, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये CH3MgBr बनेगा। और जैसे इसमें वाटर डाल दोगे H2O तो यहां से H+ खींच लेगा CH3 ना, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे CH4+ क्या बनेगा, Mg है, यहाँ पे H+ यहां आ गया ना, तो यहाँ पे क्या बच रहा है बताओ, OH ही बचेगा बच्चे, और यहाँ पे आ जाएगा कि आपका Br लग जाएगा, ठीक है ना, तो CH4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मान लो जैसे मैंने है ना, अब तो आराम से कर लोगे, ये मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, देखो यहाँ पे ये है अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे Mg डाल दिया ड्राई इथर के प्रेजेंस में, सबसे पहले क्या बना लोगे, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा MgCl। अब यहाँ पे वॉटर डाल दो, मान लो हमने इस बार D2O ले लिया, D2O का मतलब D क्या, नथिंग इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे से क्या आएगा बताओ, D आ जाएगा, बात समझ में आ रही ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, D लग जाएगा ऐसे। अगर इसी रिएक्शन को मान लो यहाँ पे मैं ऐसे H2O डाल दू, यहाँ पे H2O, तो अब यहाँ पे H आ जाएगा, बात समझ में आ रही ना, H को ऐसे लिखो या दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो रिंग में होता है, बट D आइसोटोप है इसलिए इसको ऐसे दिखाना जरूरी होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही, समझ में आ रही ना, बोलो विनोद, समझ में आ रहा है क्या, ओके विनोद, व्हाट्स गोइंग ऑन मैन, क्या क्या चल रहा है आजकल, राइट राइट राइट, ओके। सो बच्चे यहाँ पे देखो, अगर कोई सा भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर तुम लेते हो यहाँ पे, जैसे मान लो मैं एक नॉर्मल सा रिएक्शन ले लू, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके MgCl, ओके बच्चे। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने इतने डाल दिया H2O, ठीक है, H+ आयन ये साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन कर देगा, सब में साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा, इवन मैं डाल दू इथाइल अल्कोहल CH2OH, किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, इथाइल अल्कोहल, यहां से भी H+ आयन खींच लेगा, ठीक है, इवन तुम इथाइन डाल दो है ना, ये भी एसिडिक नेचर का हो तो H+ आयन खींच करके क्या बना देगा, साइक्लोहेक्सेन बना देगा। इवन तुम क्या कोई अमाइन डाल दो यार, अमाइन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, H+ यहां से क्या करेगा, वो खींच कर ले, मतलब समझ में बात आ रही है कि ये कोई सा भी रिएजेंट होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, तो यहां से ये क्या करेगा, H+ आयन को क्या करेगा, वो खींच लेगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही ना, और किसका फॉर्मेशन कर देगा, किसका फॉर्मेशन कर देगा, अल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, अगेन H+ आयन खींच करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही ना। तो ये सारे रिएक्शन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, चाहे जूसा भी हो, यहाँ पे अगर मैं अमोनिया भी डाल दू ना, फिर भी वहां से H+ आयन खींच लेगा, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर सेकेंडरी अमाइन भी डाल दिया ना, यहाँ से H+ आयन बच्चे ये खींच करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बात समझ में आ रही है, जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डाल देता हूं मैं इसको, ओके मैन, चलो बच्चे देखो मैंने अगर ऐसा लिख लिया यहां पे, ये है दिस इज CL, Mg के साथ रिएक्शन करवा दिया ड्राई इथर के प्रेजेंस में, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये MgCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब यहां पे क्या करोगे, H2O डाल दिया,
ठीक है, तो यहां से क्या करेगा बताए, एच प्लस आयन खींच करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने डी टू ओ डाल दिया होता तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये बेंजीन ही रहता ये, और यहाँ पे क्या लगा देता मैं, डी लगा देता। ठीक है, अगर ऐसा ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, सी एच थ्री ले लिया, ठीक है, सी एच टू सी एल ले लो, यहाँ पे मैग्नीशियम डाल दिया ड्राइथर के प्रेजेंस में, ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बोलो, ये प्रोडक्ट बन जाएगा सी एच टू एम जी बी आर। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, एच टू ओ डाल दिया तो एच टू ओ में ये माइनस और ये प्लस, यहां से एच प्लस आइन खींच करके ये सी एच टू किस में चेंज हो जाएगा, सी एच थ्री में चेंज हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो टॉलिन का फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या आप अच्छे तरीके से कर लोगे ना, ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्शंस हो गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत आता है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड विनोद यार लाइक्स कर देना यार विनोद, बाय बाय।